इस वीडियो में हम पेटल्स क्लास 5 के लेसन 8 बॉबी द रोबोट इस पार्ट को अच्छे से समझेंगे, इसका हिंदी में अर्थ जानेंगे और आगे इसी वीडियो में हम इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनका हल देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इस पार्ट को हिंदी में शुरू करते हैं। अतुल रेड एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। You can make your own robot, a robot that hopes. अतुल अखबार में एक विज्ञापन पढ़ता है और उस विज्ञापन में लिखा था कि आप अपना खुद का रोबोट बना सकते हैं और एक ऐसा रोबोट बना सकते हैं जो उछलता हो। तो अतुल इसको पढ़ करके बहुत खुश हो जाता है। As soon as he read this, he said excitedly, "Now I can make my own hopping robot." जैसे ही उसने इसे पढ़ा उसने उत्साह से कहा, अब मैं अपना खुद का होपिंग रोबोट बना सकता हूँ। ही रश्ड टू द शॉप एंड बॉट अ रोबोट किट। वह दौड़कर दुकान पर गया और एक रोबोट किट खरीद लाया। ऑन रीचिंग होम ही असेंबल्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ द रोबोट एंड नेम्ड इट बॉबी। घर पहुंचकर उसने रोबोट के सभी हिस्सों को इकट्ठा करके जोड़ दिया और उसका नाम रख दिया उसने बॉबी। आगे देखते हैं। बट अतुल कुड नॉट मेक बॉबी होप। लेकिन अतुल बॉबी को उछालना शुरू नहीं कर पाया। ही रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड ट्राइड टू रीअसेंबल इट बट फेल्ड। उसने फिर से उसे कैसे जोड़ना है उन निर्देशों को पढ़ा और फिर से उसने उसे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह उसे उछालना शुरू नहीं कर पाया, इसलिए वह इस बार भी असफल रहा। आगे देखते हैं। अतुल कॉल्ड हिज मदर टू हेल्प हिम। अतुल ने मदद के लिए अपनी माँ को बुलाया। मदर ऑल्सो ट्राइड वेरी हार्ड बट सी टू कुड नॉट मेक बॉबी होप। माँ ने भी बहुत कोशिश की लेकिन वो भी बॉबी को होप नहीं कर पाई, उसे उछालना शुरू नहीं कर पाई। अतुल्स फादर केम इन टू फाइंड आउट वाट देवर डूइंग। अतुल के पिता यह पता लगाने के लिए आए कि वे क्या कर रहे हैं। वन आफ्टर द अदर एवरी वन इन द हाउस ट्राइड, नो वन कुड मेक बॉबी होप। एक के बाद एक घर के सभी सदस्यों ने कोशिश की लेकिन वो बॉबी को उछालना शुरू नहीं कर सके। एट लास्ट अतुल्स सिस्टर माला सा द फोन नंबर ऑफ द शॉप ऑन द पैकेट। आखिर में अतुल की बहन क्या देखती है। अतुल की बहन जिसका नाम है माला, उसने पैकेट पर दुकान का फ़ोन नंबर देखा। जिस पैकेट में अतुल वो रोबोट किट लाया था उसके ऊपर उस दुकान वाले का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। तो वो क्या करती है, शी कॉल्ड अप द शॉपकीपर। शी आस्क्ड व्हाई इज़ बॉबी नॉट होपिंग। उसने दुकानदार को फ़ोन किया, उसने पूछा बॉबी क्यों नहीं कूद रहा है। द शॉपकीपर रिप्लाइड, यू मस्ट टैप ऑन इट्स हेड आफ्टर असेंबलिंग ऑल द पार्ट्स। दुकानदार ने उत्तर दिया, सभी भागों को इकट्ठा करके आपको इसके सिर पर थपथपाना चाहिए, आपको इसके सिर पर थपथपाना है। जितने भी इसके पार्ट्स हैं आप पहले इन सबको जोड़ लीजिए और इसके बाद इसके सिर पर आपको थपथपाना है, ये कूदना शुरू कर देगा। नाउ अतुल टैप्ड ऑन द बॉबीज हेड। वंडर ऑफ वंडर्स बॉबी होप्ड। अब अतुल ने बॉबी के सिर पर थपथपाया, आश्चर्य का आश्चर्य बॉबी उछलने लगा। सबको आश्चर्य हुआ और बॉबी उछलने लगा। बॉबी द रोबोट होप्ड ऑल अराउंड इन द रूम। बॉबी रोबोट कमरे के चारों ओर उछला, उस कमरे में वो चारों ओर उछलता रहा। अतुल कॉल्ड हिज फ्रेंड्स टू प्ले विद इट। अतुल ने अपने दोस्तों को इसके साथ खेलने के लिए बुलाया। प्रशांत वन ऑफ हिज फ्रेंड्स आस्क्ड व्हाट आर द अदर फंक्शंस ऑफ योर रोबोट। उसके एक मित्र प्रशांत ने पूछा आपके रोबोट के अन्य कार्य क्या हैं। अतुल को प्रशांत ने पूछा कि आपके रोबोट के अन्य कार्य क्या हैं। अब अतुल क्या कहता है,
इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, इट वॉक्स, स्पीक्स एंड मूव इट्स आर्म्स टू. अतुल रिप्लाइड. अतुल ने क्या कहा? यह विभिन्न कार्य करता है, यह चलता है, बोलता है और अपनी बाहों को भी हिलाता है. अतुल ने उत्तर दिया, अतुल ने ऐसा कहा. अब आगे देखते हैं. ऑल हिज फ्रेंड्स प्लेड विद बॉबी एंड एंजॉयड. उसके सभी दोस्त बॉबी के साथ खेले और उन्होंने खूब आनंद लिया, खूब उन्होंने एंजॉय किया. ये इस तरह से पाठ का हिंदी में अर्थ है. अब हम देखते हैं आगे इसके वर्ड मीनिंग्स को. न्यू वर्ड्स हैं यहाँ पर कुछ दिए हुए, एक तरफ वर्ड है, एक तरफ इनका हिंदी में अर्थ हमने लिखा है. जैसे होप, होप का मतलब फुदकना. एक्साइटेडली मतलब उत्तेजित होकर. रश्ड मतलब तेजी से चला, तेजी से गया. असेंबल्ड का मतलब क्या है? हिस्सों को जोड़ दिया, हिस्सों को जोड़ा. इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश. फंक्शंस मतलब कार्य. रश मतलब तेजी से चलना. रश का मतलब क्या है? तेजी से चलना. असेंबल का मतलब है हिस्सों को जोड़ना. असेंबल का मतलब क्या है? हिस्सों को जोड़ना. अब हम आगे देखते हैं इसके कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस को. हमने छोटे करके आंसर लिखे हैं ताकि आपको आसानी से ये याद हो जाएं कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एडवर्टीजमेंट अबाउट. वो जो अखबार में विज्ञापन आया था वो किसके बारे में था, ये हमें बताना है. तो जो अखबार में विज्ञापन आया था वो एक रोबोट के बारे में था जो उछल सकता था. जिस तरह से मेंढक उछल उछल कर चलता है, ऐसे ही एक रोबोट के बारे में वो एडवर्टीजमेंट था. अ रोबोट दैट कैन होप, ये आप लिख सकते हैं. आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को. What did Atul do with the robot kit? Robot kit से अतुल ने क्या किया? He assembled all the parts of the robot. उसने robot के सभी parts को जोड़ दिया. What was the name of the robot? उस robot का क्या नाम था? आप लिख सकते हैं बॉबी. उस robot का नाम था बॉबी. आगे देखते हैं. How did Mala help her brother? How did Mala help her brother? माला ने अपने भाई की सहायता कैसे की? By calling the shopkeeper, दुकानदार को फ़ोन करके. उसने उससे पूछा था कि ये क्यों नहीं कूद रहा है, तो उसने दुकानदार को फ़ोन किया था और इससे उसने अपने भाई की सहायता की. Where did Atul tap to make Bobby hop? बॉबी को उछालना शुरू करने के लिए अतुल ने उसे कहाँ पर थपथपाया था? तो उसने उसके सिर पर थपथपाया था. आप लिख सकते हैं ऑन बॉबीज हेड, बॉबी के सिर पर. आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द अदर फंक्शंस ऑफ द बॉबी द रोबोट. बॉबी रोबोट के अदर फंक्शन, अन्य क्या कार्य थे उसके? वॉकिंग, स्पीकिंग एंड मूविंग इट्स आर्म्स, चलना, बात करना और अपनी बाहों को फैलाना, अपनी बाहों को चलाना, ये उसके अन्य कार्य थे, ये आप लिख सकते हैं. अब आगे देखते हैं इसमें. आगे वर्ड पावर में, लैंग्वेज प्रैक्टिस में आपको अन्य कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इन्हें भी कर सकते हैं, इससे आपकी ग्रामर मजबूत हो जाएगी. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द एक्समस ट्री. आप अपनी बुक को सामने रखिए. आपकी बुक में एक छोटा सा एक्समस ट्री दिया हुआ है, उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं. इन शब्दों को आपको खाली जगह में भर देना है. जैसे आई रश्ड टू स्कूल एज आई वॉज गेटिंग लेट. रश्ड का मतलब होता है बहुत तेज़ी से जाना. तो आई रश्ड टू स्कूल एज आई वॉज गेटिंग लेट, मैं तेज़ी से स्कूल गया क्योंकि मैं लेट हो रहा था. एट 9 o'clock ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल्ड इन द ग्राउंड फॉर द प्रेयर. 9 बजे सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी ग्राउंड में इकट्ठे हुए. किस लिए? प्रेयर करने के लिए. रूबी ट्राई टू डांस बट फेल अपॉन द फ्लोर. रूबी ने डांस यानी नाचने के लिए कोशिश की लेकिन वह फ्लोर पर गिर गई. द रैबिट होप्ड डाउन द रोड. खरगोश उछल करके रोड पर चला गया, नीचे रोड पर कूद गया. टीचर कॉल्ड अंकुर ऑन द स्टेज टू गिव हिम द अवार्ड. टीचर ने, अध्यापक ने अंकुर को स्टेज पर बुलाया. किस लिए बुलाया? उसे अवार्ड देने के लिए, इनाम देने के लिए. मिनी टैप्ड ऑन हर डॉल्स हेड टू मेक इट मूव. मिनी ने अपनी डॉल के सिर पर थपथपाया इसे चलाने के लिए. अब आगे लैंग्वेज प्रैक्टिस में एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कॉमन और प्रॉपर नाउन्स ऑफ योर चॉइस. रिमेंबर अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. यहाँ पर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए जो प्रॉपर नाउन होता है इसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं,
और कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो प्रॉपर नाउन होता है उसे हम पहला अक्षर उसमें कैपिटल लिखना होता है, उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर हमें लिखना होगा। जैसे यहाँ पर कुछ खाली स्थान जो दिए गए थे वो हमने रंगीन कलर में लिखे हुए हैं, जहाँ पर ये डार्क हो रहे हैं ये हमने हाईलाइट किए हुए हैं, तो ये खाली जगह थे इन्हें हमने भर दिया है। आप भी इसी तरह से भर सकते हैं, बस आपको समझना है। मोहन, रमेश एंड सीता आर गुड फ्रेंड्स। मोहन है, रमेश है, सीता है, ये सभी अच्छे दोस्त हैं। द डॉग इज़ माई फेवरेट एनिमल। यहाँ आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ये आपको अपनी समझ से लिखना है। द डॉग इज माई फेवरेट एनिमल, कुत्ता मेरा पसंदीदा जानवर है। द फ्लावर है स्वीट स्मेल, फूल की अच्छी खुशबू होती है, मीठी खुशबू होती है। द लेमन है सॉर टेस्ट, नींबू का स्वाद खट्टा होता है। द फोर्थ डे ऑफ द वीक इज थर्सडे, सप्ताह का चौथा दिन क्या होता है, थर्सडे होता है। वी हैव हॉलीडेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, हमारे पास जून के महीने में छुट्टियां हैं। द पैरेट इज अ बिग बर्ड, तोता एक बड़ा पक्षी है या बड़ा पक्षी होता है। आई वेंट टू अलाहाबाद लास्ट ईयर, मैं पिछले साल अलाहाबाद गया था। द डॉग इज अ पेट एनिमल, कुत्ता एक पालतू जानवर होता है। मदर बोट मी अ न्यू बुक, माँ ने मुझे या मम्मी ने मुझे एक नई किताब खरीद कर दी या एक नई किताब दिलवाई। रश्मि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, रश्मि मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आई सिट ऑन अ चेयर एंड वॉच टेलीविज़न, मैं एक चेयर पर बैठता हूँ और टेलीविज़न देखता हूँ। तो इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे, दूसरे शब्द भी आप लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। अब इसमें आपको इसी क्वेश्चन के आधार पर यहाँ पर पूछा गया है, आपको अब प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन को क्लासिफाई करना है, इन्हें अलग अलग लिखना है। तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का भी नाम हो सकता है, और कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, इसमें वो शब्द लिखने हैं जो किसी जाति का बोध कराएंगे, पूरी जाति का बोध कराएंगे। जैसे हमने इनमें लिखा है मोहन, रमेश, सीता, थर्सडे, जून, अलाहाबाद, रश्मि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ऐसे ही कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, जैसे डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, कुत्ते बहुत तरह के होते हैं, कुत्ते बहुत प्रकार के होते हैं, तो आप कुत्तों की पूरी जाति के बारे में बोध करा रहा है ये शब्द डॉग, इसलिए ये कॉमन नाउन है। फ्लावर मतलब फूल, फूल बहुत तरह के होते हैं। ऐसे ही नींबू, नींबू की भी कई प्रजातियाँ होती हैं। ऐसे ही पैरेट, पैरेट मतलब तोता, तोते की भी कई प्रजातियाँ होती हैं। ऐसे ही बुक, बुक मतलब किताब, किताब कई तरह की होती हैं। ऐसे ही चेयर, चेयर भी कई तरह की होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं, लोहे की होती हैं, लकड़ी की होती हैं, इस तरह से आप इसको समझेंगे। तो ये कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति का बोध कराते हैं, और ये प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने क्या किया है, पेटल्स क्लास 5 के जो लेसन 8 है बॉबी द रोबोट, इस पार्ट को अच्छे से समझा है, इसका हिंदी में अर्थ समझा है। इसके बाद लैंग्वेज प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी हमने किए हैं, इसके कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस को भी देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।